हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यशपाल, और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल बाबा वुड पे। और अभी मैं हूं थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्या के पत्या बीच के ऊपर, और इस बीच को काफ़ी लंबे टाइम से यार एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सजाया गया, और मैं आपको ये पहले भी दिखा चुका हूँ। तो आज फिर एक बार मैं वॉक करते करते इस साइड पर आया था, सोचा कि चलिए आज की जो ब्लॉग की शुरुआत है उसी जगह से की जाए, क्योंकि कुछ एक जो अपडेट्स अपने पास में आ रही हैं उसको देखकर, उसको सुनकर, उसको पढ़कर कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लगता है, ऐसा एहसास ज़रूर होता है कि बहुत जल्दी मेरे सभी भाई भी इसी जगह पर मेरे साथ होंगे, और इसी जगह पर हम लोग खड़े होकर एक बार एक छोटी सी मीटिंग करेंगे, एक अच्छा सा व्लॉग भी ज़रूर शूट करेंगे। तो यही उम्मीद मैं हर बार किया करता हूँ, और आप लोगों को पता है कि यार उम्मीद मैं कभी भी नहीं छोड़ता। तो यार ये है पत्या बीच के ऊपर एक ब्यूटीफुल सा यार एरिया, जिसको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसको लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर एज अ फोटो बूथ, और इसी जगह पर आकर काफ़ी सारे लोग डेली शाम के टाइम पर पिक्चर्स क्लिक किया करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यार पूरा एक लाइटिंग वाला एक ऐसे गार्डन बोल सकते हैं, जहाँ पर जो पत्या सिटी का लोग है वो भी लगाया गया। उसके अलावा काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आपको दिखेंगे जो यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। उसके साथ साथ में काफ़ी सारे यहाँ पर फोटो बूथ्स बनाए गए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर अगर आप लोग ऊपर देखें तो यार जो लाइटिंग है यहाँ पर रखी गई, और ये लगभग जब क्रिसमस का टाइम था, जब आप लोग बोलते हैं कि 31st का टाइम आप लोग कह सकते हैं, न्यू ईयर से पहले का टाइम था, उस टाइम पर इस बीच को इस तरीके से यहाँ पर तैयार किया गया था। स्टिल अभी भी आप लोग देखें तो यार ये वैसे का वैसा यहाँ पर तैयार है, क्योंकि यार अभी अगर आप लोग बात करें तो जब से ये टेस्ट एंड गो यहाँ पर एक बार फिर से स्टार्ट हुआ है, तो काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं पत्या के अंदर, और काफ़ी सारे लोग और जो पत्या में आते हैं तो इस जगह पर डेफिनेटली आते हैं। बिकॉज अगर आप इन दिनों की बात करें तो यार जो पर्टिकुलर ये जो एरिया है सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हो चुका है, बिकॉज काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आकर पिक्चर्स क्लिक किया करते हैं, और यही पिक्चर्स वो लोग सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया करते हैं। तो यार ये है यहाँ पर पत्या बीच के ऊपर एक ब्यूटीफुल सा आप लोग कह सकते हैं जो लाइटिंग्स यहाँ पर की गई हैं, जो फोटो बूथ्स यहाँ पर की गई हैं। आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी कुछ गर्ल्स हैं जो यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक कर रही हैं। तो यार अगर आज के आप लोग अपडेट की बात करें, जो पहली अपडेट है वो आ रही है अपने इंडिया से ही यार, क्योंकि इंडिया में यहाँ पर फिलहाल इस चीज़ को अभी फाइनलाइज नहीं किया गया, लेकिन जो बोलते हैं कि विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार पता चला है, तो यार कहीं ना कहीं एविएशन मिनिस्ट्री ये डिसीजन यहाँ पर लेने वाली है कि 1 मार्च से जो अभी तक का जो फ्लाइट्स यहाँ पर, अगर नॉर्मल शेड्यूल फ्लाइट्स जो यहाँ पर बंद रखी गई हैं इंडिया के अंदर, लाइक जहाँ पर सिर्फ एयर बबल है जिन कंट्रीज के साथ, सिर्फ वहीं पर फ्लाइट्स चल रही थी, तो शायद आप लोग कह सकते हैं कि 1 तारीख को आपको एक अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी। जो नॉर्मल शेड्यूल फ्लाइट्स है वो एक बार फिर से इंडिया से फ्लाई करेंगे, और आप लोग किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना चाहें तो आप लोग इजीली कर पाएंगे। बिकॉज यार पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर अगर आप लोग बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए हैं, जिसको देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार अब इंडियन गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि जो एक इंटरनेशनल ट्रैवल काफ़ी टाइम से रोक लगा के रखा गया है उसको अब हटा देना चाहिए, क्योंकि अब वो टाइम आ गया, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज ने जो काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन है। आप लोग बात करें कि यार जो RT-PCR टेस्ट पहले लोग किया करते थे, जो क्वारंटाइन किया करते थे, उसके ऊपर यहाँ पर आप लोग कहें तो पूरी तरह से उसको हटा दिया गया, और सिर्फ इंडिया में नहीं काफ़ी सारी कंट्रीज में ऐसा हुआ है। आप सिर्फ अगर वैक्सीनेट है तो आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा लाइक किसी भी इन द सेंस लाइक बहुत सारी कंट्रीज में आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप लोग देखें तो यार इंडियन गवर्नमेंट भी काफी फ्लेक्सिबल हुई है पिछले कुछ दिनों में इन सभी चीजों के लेकर। अगर आप लोग कल की ही बात करें तो कल ही अपनी फैमिली के एक मेंबर, अपने एक भाई थे यहाँ पर जो दुबई से यहाँ पहुंचे थे, इजहार खान, और एक बार वापिस वो गए यहाँ से इंडिया, तो उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि यार कोई भी किसी तरह का कुछ भी नहीं पूछा गया कि आप लोग RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट दिखाएं या कुछ भी, ऐसा लाइक बिल्कुल स्मूथली जैसे वो लोग पहले ट्रैवल किया करते थे उसी तरह से वो ट्रैवल करके वापस पहुंचे इंडिया। और यहाँ पर थाई एयरवेज की उनकी फ्लाइट थी कल शाम को 7:50 की, तो यहाँ पर एयरपोर्ट पर भी उनसे कुछ नहीं पूछा गया, क्योंकि यहाँ पर इंडिया ट्रैवल कर रहे, तो इंडिया गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं वो ये है कि यार जो 72 आवर्स पहले आपको एक टेस्ट यहाँ कराना पड़ता था उसको यहाँ पर 14 फरवरी के बाद से कैंसिल कर दिया गया, उसको अब आपको नहीं करवाना पड़ता। तो उन्होंने यहाँ से ट्रैवल किया और उन्होंने यार पूरा डिटेल मुझको दिया कि यार यहाँ से जाने लाइक यहाँ से जाते वक्त उनसे किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं पूछा गया, सिर्फ जो एयर सुविधा जो पोर्टल है इंडिया का वहाँ पर उन्होंने जो उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट था वो अपलोड कर दिया था, तो उसके अलावा उनसे किसी भी चीज़ का कुछ नहीं पूछा गया, किसी भी तरह का कोई प्रिंट आउट नहीं मांगा गया। तो सिंपल वो बोर्डिंग के लिए गए, वहाँ पर उन्होंने लाइक अपना टिकट दिखाया, बोर्डिंग पास लिया, अपना जो लगेज था वो चेक इन किया, और वो इजिली ट्रैवल कर इंडिया पहुँच गए।
और इंडिया पहुंचने के बाद वो लैंड हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर, जहां पर उनको किसी भी तरह का किसी भी सवाल जवाब का सामना नहीं करना पड़ा। सिर्फ उन्होंने इमिग्रेशन क्लियर किया और वो वहां से अपने घर के लिए निकल गए। तो यार कहीं ना कहीं जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, जो यार आप लोग कह सकते हैं जो एक रिस्ट्रिक्शंस को यहाँ पर कम कर दिया जा रहा है, जो आप लोग नॉर्मली ट्रैवल कर रहे हैं जिस तरह आप लोग पहले किया करते थे, तो कहीं ना कहीं यार ये भी इशारा करता है कि बस अब जो अच्छा टाइम है वो आने वाला है। और एक बार फिर से आप लोग जो शेड्यूल फ्लाइट्स हैं, जिस तरह पे आप पहले ट्रैवल किया करते थे किसी भी सिटी से, लाइक इंडिया की छोटी छोटी सिटीज से फ्लाइट्स आया करती थी, यहाँ पर बैंकॉक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट हुआ करती थी, तो शायद जो ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर अगर कम होती हैं 1 मार्च से, तो आपको वापस वही फ्लाइट्स देखने को मिलेंगी। और अगर आपको इस तरह की फ्लाइट्स मिलती है तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि यार आपको इकोनॉमी फ्लाइट्स मिलती हैं, आपको जो फ्लाइट्स के जो अभी जो आप लोग कह सकते हैं फेयर्स अभी कुछ हाई रह गए हैं, जो फ्लाइट्स के लिए आपको कुछ पैसा ज़्यादा यहाँ पर पे करना पड़ रहा है, तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, इनफैक्ट आने वाले 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपको जो लाइक एक्स्ट्रा फेयर पे करना पड़ रहा था शायद ना करना पड़े। और आपके पास में प्राइवेट एयरलाइंस के बहुत सारे ऑप्शन, और आपको पता है जब प्राइवेट एयरलाइंस फ्लाई करते हैं तो इज अ काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन, और कॉम्पिटिशन का जो फ़ायदा होता है वो ऑलवेज जो जनरल पब्लिक होती है, जो हमारे और लाइक मेरे और आपके जैसे लोग हैं उनको ही होता है। और इसके अलावा जो दूसरी आज की अपडेट है वो है यहाँ पर पत्तया से ही, अगर आप लोग बात करें तो यहाँ पर जो लोकल बिजनेस ऑपरेटर हैं, लाइक जो टूरिज्म से रिलेटेड आप लोग बात कर सकते हैं, ट्रैवल से रिलेटेड आप लोग बात कर सकते हैं, जो बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनका कहना ऐसा है कि यार जो इंडियन टूरिस्ट है यहाँ पर, अब यहाँ पर एक तरह से आप लोग बात करें तो ऑफ सीजन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग 2019 की बात करें, लाइक 19-20 की, तो जो ये टाइम होता है फरवरी मिड के बाद का जो टाइम होता है, और जो मार्च का महीना होता है इज अ काइंड ऑफ एक तरह से यहाँ पर ऑफ सीजन होता है, क्योंकि काफ़ी कम लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हैं। अगर आप लोग इंडिया की बात करें तो मार्च में होता है लाइक ईयर एंडिंग, तो मोस्ट ऑफ जितने भी लोग होते हैं, जितनी भी कंपनीज होते हैं, वो सब अपना जो पूरे साल का हिसाब किताब होता है उसको लगाने में बिजी होते हैं। इसके साथ साथ बच्चों के एग्जाम्स भी होते हैं शायद मार्च के अंदर ही, तो काफ़ी सारे लोग बिजी होते हैं। अगर आप लोग बात करें तो बाकी जो कंट्रीज हैं शायद उनके लोग भी यहाँ पर फरवरी मिड के बाद आना कम हो जाते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर जो बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनका कहना ऐसा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एयर बबल स्टार्ट हो जाता है, या फिर जो आने वाली 1 तारीख है, 1 तारीख से ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये यहाँ पर कम हो जाती हैं, अगर आपको नॉर्मल फ्लाइट्स इंडिया से मिलती हैं, आप लोग यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो इंडियन टूरिस्ट है वो इस लो सीजन के अंदर थाईलैंड को एक अच्छा खासा बिजनेस दे सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं यार हर किसी को ये एहसास हो चुका है कि यार अपने भाई इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ चीज़ें नॉर्मल होने का, तो नॉर्मल होने के बाद आई डोंट थिंक सो कि यार मेरे भाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कोई महीना देखेंगे और वो सीधा ट्रैवल करेंगे यहाँ पर थाईलैंड के लिए। तो यार इन चीज़ों को देखते हुए भी यहाँ पर जो एयर बबल है उस पर भी यहाँ पर एक बार वापस से जोर लगाया जा रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि यार आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही आपको एक अच्छी न्यूज़ मिल जाएगी, यार इंडिया और थाईलैंड का एयर बबल साइन हो गया है और आप लोग नॉर्मली अब थाईलैंड के लिए ट्रैवल कर पाए। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने आपको पहली अपडेट में बताया कि यार कहीं ना कहीं ऐसा भी इंडियन एविएशन मिनिस्ट्री का कहना है कि शायद आने वाली 1 मार्च से जो रिस्ट्रिक्शन है वो हटा ली जाए, तो यार कहीं ना कहीं ये दोनों अपडेट्स यार थोड़ी सी हिम्मत तो अपने को देती हैं कि चलो यार आने वाले कुछ दिनों में ही सही कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। और इन दोनों चीज़ों के साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और कंफर्म हो चुकी है, जो मैंने आपको पहले भी अपने पिछले ब्लॉग्स में बताया था कि आने वाला जो मंथ है, जो मार्च का महीना है, उसके जो वीकेंड्स होंगे उसको यहाँ पर पत्तया के अंदर सेलिब्रेट किया जाएगा, इट्स अ काइंड ऑफ म्यूजिक का फेस्टिवल। तो यार यही वो बीच है पत्तया बीच, जहाँ पर आने वाले मंथ के अंदर एवरी वीकेंड्स लाइक आप लोग कह सकते हैं फ्राइडे और सैटरडे को यहाँ पर कॉन्सर्ट किए जाएंगे। और इस कॉन्सर्ट को यहाँ पर करने का जो मतलब है, जो मीनिंग है, वो ये है कि यार एक बार फिर से जो गवर्नमेंट चाहती है कि यार पत्तया के अंदर जो लोकल टूरिज्म जो यहाँ पर बूम पे था, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आया करते थे, लाइक कहीं ना कहीं यार दिसंबर के बाद में थोड़ा सा उसमें गिरावट, काफी सारे लाइक आप लोग कह सकते हैं काफी कम लोग यहां पर पहुंचे यहां पर डोमेस्टिक टूरिज्म की अगर आप लोग बात करें। उसके साथ साथ जो पहला टेस्ट एंड गो यहां पर बंद कर दिया गया था, जो सस्पेंड कर दिया गया था, उसके बाद में इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहां पर आना कम हो गया था। तो कहीं ना कहीं जो ये चीज है लाइक आने वाले महीने के अंदर अगर इस तरह से यहां पर एक बार वापस से सेलिब्रेशन स्टार्ट होते हैं, तो जो लोकल टूरिज्म है उसके साथ साथ यहां पर इंटरनेशनल टूरिज्म भी जरूर बूम करेगा, क्योंकि यार ये पत्तया है और आप लोग बिलीव करिए कि यार पत्तया की रफ्तार थोड़ी कम हो सकती है लेकिन पत्तया कभी रुक नहीं सकता। तो बस इतना ही था अभी के लिए, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आस पड़ोस का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए, भूलेगा नहीं। मेरा नाम मैं हूँ सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और ये है आपका अपना चैनल बाबा वुड। सी या।